हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8 विद वन मोर फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आई एम इन फ्रंट ऑफ यू इन लास्ट वीडियो आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर राइट हाउ पावर इज जस्ट सेपरेटेड एज इंडिपेंडेंसी ऑफ वर्क एंड बेटर वेलफेयरनेस जस्ट हैपन फॉर द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. So, one more feature of Indian Constitution that gives independency to citizens of our country to live peaceful, smoothly, enjoy and entertain their rights and powers, right? Fundamental rights are just included in our Indian Constitution. By our constitution maker, right? Dear students, if we see some history about the fundamental rights, then the demand of fundamental rights was just started during the Second World War, and after the Second World War, United Nations of Human Rights. Right, United Nations just declare few human rights that is necessary and that must be given to every citizens of the world. Right, so whatever the charter of the United Nations of Human Rights was just added in Indian Constitution in the form of fundamental rights. ऐसे समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूनाइटेड नेशंस ने ठीक है कुछ ह्यूमन राइट्स का डिक्लेयर किया और उस डिक्लेयर वो ह्यूमन राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का नाम दिया विथ समथिंग चेंजिंग कुछ बदलाव के साथ कुछ बेहतरी के साथ और कुछ इंडिया के सिटीजन्स के रिक्वायरमेंट के माइंड में रख करके कुछ राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया जिसको कि फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में 6 फंडामेंटल राइट्स दिया गया था ठीक है. हालांकि टाइम टू टाइम इस फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे अमेंडमेंट भी किए गए हैं और फंडामेंटल राइट्स जो सभी सिटीजन्स को मिलना चाहिए और बहुत ही एडवर्स कंडीशन में गवर्नमेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकती है मतलब टेम्पररली डिसकंटिन्यू कर सकती है और इवन फंडामेंटल राइट्स जो जो लोगों को दिया गया है उसके लिए गवर्नमेंट और स्टेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि गवर्नमेंट और स्टेट उस फंडामेंटल राइट्स जो पीपल्स को दिए गए हैं उसको प्रोटेक्ट करें. राइट, सबसे पहले हम लोग देखें कि वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं. बहुत डिटेल्स में आप लोग स्टैंडर्ड 9 में पढ़ेंगे, अभी हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें ठीक है. तो फंडामेंटल राइट्स विच वॉज जस्ट एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द राइट टू इक्वालिटी. पहला है राइट टू इक्वालिटी. इंडिया में किसी भी कॉर्नर में किसी जाति धर्म के रहने वाले लोग हैं ठीक है, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी जो है वो बराबर है. सभी हिंदू मुस्लिम अपर कास्ट लोअर कास्ट ठीक है, ब्राह्मण भूमिहार बिहारी बंगाली इन सारे के सब को छोड़ करके वो सारे क्या है इंडियंस हैं. तो सबसे पहले इंडिया का सबसे पहला राइट्स दिया गया कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशंस नहीं किया जा सकता है और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस बाय द स्टेट और गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन और द पीपल एवरी पीपल्स आर इक्वल. जो भी इंडियंस हैं वो सारे क्या है इक्वल्स हैं. इसी इक्वल राइट्स के तहत विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस एवरी पीपल्स आर गिवन इक्वल वोटिंग राइट्स. राइट, तो फर्स्ट राइट क्या हो गया, राइट टू इक्वालिटी. अब है सेकेंड राइट टू फ्रीडम. हमें आजादी की अधिकार है. आजादी का अधिकार का मतलब क्या, इसके अंदर कुछ राइट्स आते हैं. राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच. हमें कुछ भी
बोलने का अधिकार है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का पूरी तरह से अधिकार है, ठीक है। वी हैव टू राइट टू एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड एक्सप्रेस आवर स्पीच। हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे जो कि हम किसी को जिससे परेशानी हो जाए। राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब है कि हम अपने इमोशंस को हम व्यक्त करने का हमें अधिकार है, ठीक है। हम सरकार के खिलाफ, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, किसी के खिलाफ हम के अगेंस्ट में, सपोर्ट में हम बोल सकते हैं, हमें बोलने का अधिकार है, ठीक है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत ही मीडिया का भी अधिकार है, जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन्स के न्यूज चैनल्स, ये सारे देखते हो कि गवर्नमेंट और जो भी एक्टिविटीज होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो ये क्या है, राइट टू फ्रीडम के ही अंतर्गत में राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के तहत है। सेकंड है फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली एंड विदाउट एनी आर्म्स। शांतिपूर्ण से कहीं भी हम किसी तरह की मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम एकत्रित होकर के सरकार के सपोर्ट में, अगेंस्ट में, या कोई इंडिविजुअल वर्क के लिए, हम रिलीजियस इश्यूज पे, ठीक है, सोशल इश्यूज पे, इकोनॉमिकल इश्यूज पे हम मीटिंग कर सकते हैं, और ऐसा करने का हमें पूरा अधिकार है। इसी के तहत हमें स्ट्राइक करने का अधिकार है, ठीक है। आगे है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस। हम किसी भी तरह का यूनियंस और एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई पॉलिटिकल ग्रुप, कोई सोशल ग्रुप, ठीक है, कोई एजुकेशनल ग्रुप, ठीक है, कोई रिलीजियस ग्रुप, किसी भी तरह का ग्रुप को हमें बनाने का अधिकार है। इसी की तरह हम कोई पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। कंट्री के किसी भी कॉर्नर में कहीं भी जा कर के हम घूम टहल सकते हैं, और किसी खास स्टेट के नाम पे हमें कहीं जाने आने से रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। इतना ही नहीं, हम अगले इसी राइट्स के तहत देखें तो फ्रीडम टू रिसाइड एनी एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के कोने में आप किसी भी जगह पर जा कर के आप वहाँ पर सेटल हो सकते हो, और कोई सा बिजनेस और कोई सा ऑक्यूपेशंस और कोई सा प्रोफेशंस, वट एवर यू जस्ट लाइक, आप उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एज बिजनेस। कहता है कि हमें पूरी तरह से आज़ादी, किसी भी तरह का काम करने का, चुनने का हमें अधिकार है। पहले जो सिस्टम था कि जाति के आधार पर जो वर्क बटा हुआ था, उसका बैन पूरी तरह से, वो पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। कोई भी पर्सन किसी भी, कोई भी एक्टिविटीज को कर सकता है, कोई भी वर्क को परफॉर्म कर सकता है, अपनी आज़ादी से, अपने च्वाइस से वह कोई भी प्रोफेशन को चुन सकता है। तो ये हमारा है, ये हमारे राइट टू फ्रीडम के अंदर में इसके सारे एक्सटेंट्स हैं। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सभी व्यक्तियों को अपने अपने कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, और गवर्नमेंट, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने में, गवर्नमेंट कंट्री के सामने में सभी धर्म का इक्वल इम्पोर्टेंस है, और सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। किसी धर्म आधार पे, धर्म विशेष आधार पे किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशंस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। किसी भी तरह के कल्चर को हम फॉलो करने का अधिकार है, हम अपने, हमें अधिक, हमें एजुकेशनल राइट्स है, जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज में को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो एजुकेशन हमें करना है। और इतना ही नहीं, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हमें प्रचार प्रसार करने का अधिकार भी है। हम किसी धर्म को मानते हैं तो उस धर्म को और को हम क्या कर सकते हैं, हमें पूरी तरह से प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इस और इसके साथ, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि हम अपने धर्म को या अपने रिलीजन को सुप्रीम और किसी दूसरे को इन्फीरियर नहीं सोच सकते हैं। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कहता है हमें किसी भी तरह का कोई शोषण कर, किसी भी तरह का शोषण नहीं किया जा सकता है। शोषण के विरुद्ध, एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध बहुत सारे अधिकार है, जिसके तहत किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो 8 घंटे का काम करना, उनके एक फिक्स वेजेज, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट, ये सारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बनाए गए हैं, जिससे कि वर्किंग कंडीशन में पीपल के किसी तरह से पीपल का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। अब लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। अगर इसमें से किसी भी तरह का राइट का अगर एक्सप्लॉयटेशन होता है या बैन होता है, या किसी तरह का कोई व्यक्ति छीना जाता है इनके राइट्स को, उसके लिए लोगों का राइट है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज के थ्रू वो कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट की जिम्मेवारी, कोर्ट जो है गवर्नमेंट को
इंस्ट्रक्ट करती है कि पीपल्स को फंडामेंटल राइट्स को फिर से क्या किया जाए, बहाल किया जाए, राइट्स। इसके अलावा टाइम के चेंज करने होने के साथ दो और राइट हमें दिया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में और उसके बाद राइट टू एजुकेशन 2019 में। तो इस राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत सरकार कोई भी कार्य करती है तो सरकार अपने वर्क को चूँकि पीपल्स के मतलब टैक्सेस से या पीपल्स के बिहाफ में वो गवर्नमेंट काम कर रही है, इसलिए सरकार के सारे एक्टिविटीज से पीपल्स को रूबरू हो सकते हैं और इस राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत गवर्नमेंट की किसी भी तरह के एक्टिविटीज के बारे में जानकारी पीपल ले सकते हैं। कुछ जो है खास करके सेक्रेट मिशन जो है डिफेंस आदि है उसको बुक जरूर रखा जाता है, उनमें इंटरफेयर नहीं है, लेकिन जो सरकार का सिविल जो जितनी एक्टिविटीज हैं उसकी जानकारी पीपल ले सकते हैं। इसके अलावा जो राइट टू एजुकेशन, आज देखते हो कि 6 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स को कंपल्सरी एजुकेशन दिया गया है का प्रोविजन है, जिसमें भी विदाउट किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किए सभी बच्चों को जो 6 साल से 14 साल तक के हैं उनको मुफ्त में सरकार को शिक्षा देना वो सरकार का कर्तव्य है और सिटीजन्स का राइट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको और आप डिटेल्स में पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 में। अभी इंट्रोडक्शंस के लिए हमने देखा फंडामेंटल राइट, और ये फंडामेंटल राइट्स हमें और पावरफुल बनाता है, हमें पीपल के लिए, पीपल के पीसफुल और वेलफेयरेबल लाइफ के लिए ये कहा जाए तो ये की फीचर्स के रूप में है, और डिटेल्स में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।